वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम वेदांता लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो वेदांता लिमिटेड स्टॉक की बात किया तो वेदांता में आप देख सकते हैं 285.25 पे ट्रेडिंग रहा। काफी दिनों से यहाँ पे गिरावट देखने को मिले वेदांता स्टॉक में, काफी सारे स्टॉक यहाँ पे बाउंस बैक हो चुके हैं, रिकवरी दिखाई है, फिर भी यहाँ पे वेदांता स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिले। आने के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 285.25 पे ट्रेडिंग करा है, 7.80 पैसे की गिरावट हो चुके, 2% से ज़्यादा गिरावट यहाँ पे वेदांता लिमिटेड में देखने को मिले आज के दिन में। मीन्स आज यहाँ पे गैप पर मीन्स फ्लैट ओपनिंग तो दी थी, ओपन होते ही ऊपर भी एक उछाल देखने को मिली थी, पर ऊपर यहाँ पे 300 लेवल पे रेजिस्टेंस लगते ही गिरावट देखने को मिली। और यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग को जहाँ पे सपोर्ट ले रहा था उसको भी जैसे ब्रेकआउट या तो और गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी वेदांता लिमिटेड स्टॉक में। तो वेदांता लिमिटेड करंटली देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाउंस बैक भी होता है तो प्रीवियस क्लोजिंग जो है वो रेजिस्टेंस एक्ट हो जाएगी। आज ओपन हुआ था 294.50 पे, हाई बनाया था 302 का और लो है 279.55 का। मार्केट कैप है 1.13 लाख करोड़ का, पी रेशियो 5.66 और डिविडेंड यील्ड है 26.81% का। तो पिछले 5 दिनों की भी मूवमेंट देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में 18% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिले और लास्ट 1 मंथ में भी यहाँ पे आप देख सकते 32% से ज़्यादा गिरावट वेदांता लिमिटेड में देखने को मिले। तो वेदांता का चार्ट एनालिसिस भी देखा जाए तो चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते जैसे 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया तो और भी गिरावट देखने को मिले। तो वेदांता की जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए जो धोखा में से एक जो बात है वो है कि प्रमोटर जो होल्डिंग है वो सारे की सारी प्लेज है, वो चिंताजनक बात है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर भी यहाँ पे आप देख सकते लिमिटेड क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहाँ पे आप देख सकते 270 के करीब भी आता है तो भी यहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस दिखाई दे सकता है वेदांता स्टॉक। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट वेदांता लिमिटेड स्टॉक के लिए।